व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज अमितन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको आईफोन 12 मिनी लेना चाहिए या फिर आपको आईफोन 13 मिनी लेना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही फोन छोटे फॉर्म फैक्टर में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं। ठीक है, आईफोन के द बेस्ट आईफोन्स हैं अगर आप एक छोटा फॉर्म फैक्टर वाला आईफोन ढूंढ रहे हो तो कौन सा बेटर होगा आपके लिए, इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। चलो देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अभी का अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि हम जल्दी से 10K पहुंच पाएं। तो गाइस देखो, दोनों ही फोन्स जो है ना, वो पहली बात तो अगर आप देखोगे तो पहले छोटे हैं, 5.4 इंचेस का दोनों का स्क्रीन मिल जाता है एंड दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं एंड कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। मतलब आईफोन 13 में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, आईफोन 12 में भी। आपको ऐसा नहीं है कि आईफोन 12 मिनी आपको एकदम ही नहीं चलेगा, आईफोन 12 मिनी भी अभी बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर बजट 40,000 तक है तब आप आईफोन 12 मिनी की तरफ जाओ। अगर बजट 50,000 से ऊपर है और आप छोटा फॉर्म फैक्टर वाला फोन ढूंढ रहे हो ना, तो आईफोन 13 मिनी अच्छा ऑप्शन है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। देखो डिज़ाइन में ना, अगर आपको सारी चीज़ें देखोगे ना तो सारी चीज़ें डिज़ाइन सेम है, फ्लैट है पूरा साइड से। ठीक है, आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 13 मिनी में पूरा डिज़ाइन जो है वो सेम है। सिर्फ डिफरेंस एक है कि जो नॉच है वो आपको छोटा मिल जाता है आईफोन 13 में, जो कि आईफोन 13 मिनी के हिसाब से ना, मतलब आईफोन 13 मिनी का जो नॉच है वो छोटा मिल जाता है तो वो 13 मिनी के हिसाब से सही लगता है। बट अगर यहीं पे आप देखोगे आईफोन 12 मिनी का नॉच तो वो ना 12 मिनी के हिसाब से बड़ा लगता है, क्योंकि जो आईफोन 12 प्रो मैक्स का जो नॉच है वही सेम नॉच आपको आईफोन 12 मिनी में देखने को मिलता है, जो कि आईफोन 12 मिनी के जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, उसके हिसाब से जो वो नॉच है ना वो बड़ा लगता है। एंड मैं भी पर्सनली आईफोन 12 ही यूज़ करता हूँ तो मुझे भी बड़ा लगता है सच में। एंड अगर आप पीछे देखोगे ना तो पीछे में कुछ डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ, ग्लास मिल जाता है, ग्लास बैक देखने को मिल जाता है एंड वही सारी चीज़ें सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि आपको जो आईफोन 12 है उसमें वर्टिकल कैमराज देखने को मिल जाते हैं, मतलब एक के नीचे एक। एंड अगर बैक डिज़ाइन की बात करें ना तो बैक डिज़ाइन में कुछ भी नहीं बदला है, वही आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है। सिर्फ एक चीज़ बदला है जो कि है, जो आपको आईफोन 12 मिनी में ना कैमरा जो है वो वर्टिकल देखने को मिलता है एंड जो आईफोन 13 मिनी है उसमें आपको कैमरा डायगोनल देखने को मिलता है। ठीक है, एंड आईफोन 13 में सेंसर शिफ्ट की टेक्नोलॉजी भी आई थी जिसके वजह से कैमरा डायगोनल करना पड़ा, तो डायगोनल कैमरा थोड़ा अजीब लगता है बट आपको चल जाएगा अगर आपको डिज़ाइन में से उतना दिक्कत नहीं है तो। क्योंकि मुझे वर्टिकल कैमरा ज़्यादा सही लगता है, आईफोन 12 मिनी का जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा सही लगता है कि एक के नीचे एक कैमरा। वो दाएँ बाएँ कैमरा मुझे उतने पसंद नहीं है जितने कि आईफोन 12 मिनी का कैमरा पसंद है। अब ये सबका अपना अपना चॉइस होता है, आपका भी अपना चॉइस कुछ और होगा, मे बी आपको आईफोन 13 मिनी का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद हो पीछे का। एंड अगर प्रोसेसर की बात करोगे तो यहाँ पे आईफोन 12 मिनी पे आपको A14 का बैनर चिप देखने को मिलता है एंड अगर आप आईफोन 13 मिनी में देखोगे तो यहाँ पे आपको A15 का बैनर चिप देखने को मिलता है, जो कि एक जनरेशन आगे है। एंड सच बताऊँ तो एक जनरेशन से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट A15 की वजह से कुछ और चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड रैम दोनों में ही आपको 4GB देखने को मिल जाता है एंड 4GB रैम इनफ होता है एक आईफोन के लिए। एंड अगर बात करें कैमराज की तो देखो कैमराज में ना मैं बोलूँगा कि अगर आप कैमरा, मतलब आपको कैमरा चाहिए डेली यूज़ के लिए तो आईफोन 12 मिनी का कैमरा भी बुरा नहीं है, आईफोन 12 मिनी का कैमरा भी बहुत अच्छा है। एंड मेजर इंप्रूवमेंट आईफोन 13 मिनी में हुआ था कि आपको सिनेमैटिक मोड एंड फोटोग्राफिक स्टाइल्स देखने को मिल गया था 13 मिनी के अंदर। ठीक है, जो कि 12 मिनी में नहीं है, 12 मिनी में वो हार्डवेयर ही नहीं है जिससे कि आप ब्लर कर सकते हो बैकग्राउंड को वीडियोस में। ठीक है, फोटोज में पोर्ट्रेट मोड तो दोनों ही मिल जाता है, नाइट मोड भी दोनों में ही मिल जाता है। एंड नाइट मोड भी मैं बोलूँगा कि इंप्रूव है थोड़ा सा आईफोन 13 मिनी में, क्योंकि उसमें सेंसर शिफ्ट की टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि कैमरा जो शेक है उसको रोकता है, कंट्रोल करता है थोड़ा सा। ठीक है, जिसकी वजह से जो नाइट में फोटोज़ हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हैं एंड मतलब रात में जो फोटोज़ हैं काफ़ी बढ़िया आते हैं। एंड डे लाइट में तो आप दोनों को ही कंपेरिजन करोगे तो दोनों को ही सेम पाओगे आप कि हाँ यार दोनों सेम ही कहता है, वैसा भी कुछ फ्रंट एंड बैक कैमरा में वैसा कोई डिफरेंस है नहीं, बस वाइड एंगल कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि वाइड एंगल कैमरा थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया है आईफोन 13 मिनी का, तो ये एक अच्छी बात होती है। अगर आपको एकदम कैमरा प्रायोरिटी है कि कैमरा मुझे अच्छे चाहिए तो आप आईफोन 13 मिनी की तरफ जाना बिल्कुल से। एंड अगर आपको ठीक है मुझे कैमराज अच्छे चाहिए, तब अच्छे चाहिए जो कि मैं यूज़ कर पाऊँ, तो आपको आईफोन 12 भी मिनी भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली आईफोन 12 मिनी यूज़ करता हूँ, मैंने फोटोग्राफी के लिए लिया था, मैं भी फोटोज़ एंड वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा क्लिक करता हूँ एंड वीडियोज़ में तो आपको ब्लर वाला फीचर मिल जाता है आईफोन 13 मिनी में, जिसका कोई कंपैरिजन है नहीं। तो इसलिए अगर आपको चल जाएगा कैमरा नॉर्मल भी तो 12 मिनी की तरफ जाओ, बहुत अच्छा कैमरा है। एंड अगर आपको कैमरा एकदम बेस्ट चाहिए तो आप 13 मिनी की तरफ जाओ पक्का। तो अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप में अगर देखो मेरे पास आईफोन 12 मिनी है एंड बैटरी बैकअप से मैं बोल सकता हूँ कि यार बैटरी बैकअप अगर आप एक फ़ोन अच्छा चाहते हो ना तो मैं नहीं बोलूँगा कि आईफोन 12 मिनी की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है सच में। मुझे एक दिन में 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ जाता है जबकि मैं नॉर्मल से थोड़ा ऊपर का यूज़र हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मल से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता हूँ, मतलब कि दिन का मेरा 7-8 घंटे का रहता है तो मुझे 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ जाता है फ़ोन। मेरी बैटरी हेल्थ जो है अभी 92% पे आ चुकी है एंड समर सीजन में मुझे लगता है कि और भी माइनस में जाएगा।
तो अगर आपको एक अच्छी बैटरी चाहिए प्लस छोटा फॉर्म बैटरी चाहिए ना, तो मैं बोलूँगा कि आपको 500 रुपये ज़्यादा लगाने पड़ेंगे एंड आईफोन 13 की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बैटरी थोड़ी इंप्रूव है एंड आपको 2 घंटे और आपको मिल जाता है उसमें थोड़ा ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा अगर उतना थोड़ा सा आपको चाहिए ना, तो फिर आप जा सकते हो 13 मिनी में, बट जाना सही भी होगा क्योंकि 2 घंटे का ज़्यादा मिलेगा आपको बैकअप। एंड दोनों ही फ़ोन्स 5G आते हैं, तो बिल्कुल भी फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे आप, चाहे 12 मिनी लो या फिर 13 मिनी लो, है ना। और कोई भी शिकायत है नहीं, मैक्सिफ की एक्सेसरीज दोनों में अटैच हो जाएंगे, फिर जो आपका एयर टैग है वो दोनों में ही काम करेगा। एंड अभी एक फ़ीचर आया है अपडेट्स को देके, जिससे कि आप मास्क पहन के भी अपने फेस आईडी को फेस अनलॉक कर सकते हो, जो कि दोनों में ही है। आईफोन 12 के नीचे वाले फ़ोन्स में ये वो अवेलेबल नहीं है, मतलब आईफोन 11 तक आपको वो फीचर देखने को नहीं मिलता, बट 12 से दोनों में ही मिल जाता है, 12 13 में ही। एंड अभी आईफोन 13 मिनी मेड इंडिया होने वाला है, तो कुछ दिन और रुक जाओ। अगर उस वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर चैनल को, ताकि हम जल्दी से 10K पहुँच पाएँ। तो दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं अपने प्राइस के हिसाब से, ठीक है। अगर आप SE लेने की सोच रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा कि SE से अच्छा 12 मिनी ले लो, ठीक है। एंड अगर 12 मिनी लेना चाहते हो ना, आपका बजट थोड़ा और ज़्यादा है, आप अलाउ कर सकते हो कि मैं 13 मिनी का मेरा बजट है, ठीक है, तो आप 13 मिनी ले सकते हो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा मतलब नए फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि सिनेमैटिक मोड, फोटोग्राफी स्टाइल्स, तो 13 मिनी उन सब में बहुत अच्छा है। बस बैटरी बैकअप में मतलब दोनों ही आगे पीछे हैं, थोड़ा सा आगे निकल जाता है 13 मिनी। एंड डिपेंड करता है कि आप यूज़ कैसे करते हो, ठीक है। ज़्यादा हैवी यूज़ करोगे तो, एंड अगर कोई 12 मिनी लेता है उसे नॉर्मल यूज़ करता है, कम यूज़ करता है, एंड कोई आईफोन 13 मिनी लेता है उसको ज़्यादा यूज़ करता है, तो बात तो बराबर ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका यूजेस कैसा है, उस हिसाब से अपने यूजेस देख लो एंड उस हिसाब से फिर आप कोई भी फ़ोन पिक करना। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो अभी कभी, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।